वैसे भी एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो चित्तौड़गढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, पुलिस ने गाड़ी से बरामद किए 2.5 करोड़ की नकदी। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं, नाकाबंदी के दौरान पुलिस को नकदी मिली है। तो चित्तौड़गढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इस वक्त की बड़ी जानकारी अहम खबर, पुलिस ने गाड़ी से 2.5 करोड़ की नकदी बरामद की। तो नाकाबंदी के दौरान पुलिस को नकदी मिली है और मामले में पुलिस दो लोगों से पूछताछ कर रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मयंक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी शावनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल रात्रि में कोतवाली थाना पुलिस द्वारा कोटा फोर लेन पर नाकाबंदी की गई थी। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के निर्देशन पर नाकाबंदी की गई थी। इस नाकाबंदी के दौरान कोटा की ओर से आती हुई एक एक्सयूवी गाड़ी में रुकवाया गया, उससे पूछताछ की गई। तो संतोष पर जवाब न पाए जाने पर गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें 5 अलग अलग कट्टों में कैश बरामद हुआ, नकदी बरामद हुई। नकदी की फिर पूरी गाड़ी और गाड़ी के उसमें सवार दो लोगों को कोतवाली थाना पुलिस लाया गया, जहां पे उनसे पूछताछ करने पर यह पता चला कि गाड़ी कोटा की ओर से आकर उदयपुर गुजरात की ओर जाती हुई समझ में आई और इस बारे में अधिक पूछताछ उनसे जारी है। हाँ बिल्कुल, मैं तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, देखते रहे इंडिया न्यूज़।